हेलो फ्रेंड्स, वॉच ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे पास आज कुछ छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं, तो जिसे बारी बारी करके देखते हैं। सबसे पहले ये है मोबाइल स्टैंड, एंड आप देख सकते हैं ये अलग अलग कलर में है और ये डबल साइडेड है। ये देखिए, ये 5 कलर में आ जाते हैं और इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी हल्की है, बट अगर आपको टेबल पर रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम मोबाइल रखते हैं एक एंड ये दूसरा, तो इसको तो सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये ज़्यादा हैवी है, और इसे अगर इस तरीके से रखेंगे तो गिरने का कोई टेंशन नहीं है। और आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन प्रॉपर है, ये देखिए, और आप आसानी से इसमें मूवीज़ वगैरह वॉच कर सकते हैं या अपना कुछ चाहे तो काम कर सकते हैं, टाइप करना या जो भी है। तो ये एक छोटी सी चीज़ हो गई। दूसरा प्रोडक्ट है ये रिंग लाइट, और ये है मोबाइल के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें केबल लगाने का ऑप्शन दिया है, माइक्रो केबल इस पर लगती है जो कि हमें साथ में मिली है। तो काफ़ी छोटी सी केबल है, एंड ये आपको अधिकतर सेल्फी वेल्फी के लिए काम आता है। बट मैंने इसे इसलिए परचेज़ किया है क्योंकि कभी कभी वीडियो में मुझे जो लाइट है वो अगर कम ज़्यादा होती है, तो मैं इसे अपने फ़ोन में लगा करके जो फ्रंट लाइट है उसके लिए यूज़ कर सकूं। अब इसे अगर हमें ट्राई करना है तो हम सबसे पहले मोबाइल में ही लगा के देखते हैं। इसके लिए मेरे पास एक कनेक्टर है, इसे कनेक्ट करते हैं एंड ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि मोबाइल में ही ये यूज़ करने लायक है। यहाँ बैक साइड में बटन दिया है, तो इस पर 3 मोड दिया गया है, ये फर्स्ट, ये सेकंड एंड ये थर्ड। तो इसकी रोशनी जो है काफ़ी अच्छी है, आपको देखिए क्लियरली दिख रहा होगा इसकी रोशनी कितनी तेज है। ये देखिए, आप बैक साइड पूरा जो है वो डार्क हो गया है, एंड यहाँ पर दिया गया है रबर, ताकि आप इसे अगर देखिए ये तो आ भी नहीं रहा है प्रॉपर। इसका केबल जो है काफ़ी छोटा है, तो आप दूसरा केबल यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास एक लॉन्ग केबल है जिसे हम जल्दी से ट्राई करते हैं। इसमें तो कैमरा भी कवर कर रहा है, ठीक है, इसे थोड़ा सा हाइड कर लेते हैं। ओके, अब उसके बाद हम यहाँ से बटन को प्रेस करेंगे। बट मेरा जो फ़ोन है वो वाला जिससे मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, जिससे अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें तो ये प्रॉपर आ जाएगा। इसकी लाइट ऑन करते हैं, ये देखिए, तो ऐसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन से वीडियोस रिकॉर्डिंग करते हैं या वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैं बनाता हूँ उस तरीके से, अनबॉक्सिंग वीडियो हो गया, या फिर जैसा अभी आप वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी छोटा सा प्रोडक्ट है और बिल्कुल वाइट लाइट है, वार्म लाइट नहीं है। आपको एक कनेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी अपने फ़ोन से अटैच करने के लिए। तो थर्ड प्रोडक्ट है हमारा सोलर सिस्टम वाला वॉल लैम्प, एंड ये 3 साइडेड है, मतलब फ्रंट में भी रहेगा एंड राइट और लेफ्ट साइड, तीनों साइड में इसकी लाइट्स आएंगी। और इसमें क्या क्या डिटेल्स दिया गया देख लेते हैं हम अच्छे से। इसका मॉडल नंबर दिया गया CL162, यहाँ लिखा गया है आउटपुट 5.5 वॉट, एंड बैटरी कैपेसिटी है 1800 mAh की, 120 डिग्री का सेंसर दिया गया है, इसमें सेंसर का लिखा है इसमें, तो एंगल ऑफ द सेंसर, एंड डिस्टेंस है 3 to 5 meters, मतलब 3 से 5 meters तक इसकी रोशनी जाती है, और 100 LED इसमें लगी हुई है। इसके साथ हमें एक यूज़र मैनुअल मिला है। तो ये रहा इसका सोलर पैनल, आपको इसे वॉल में हैंग करना है जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, ऐसे लगेगा वॉल पे, इस तरीके से वॉल पे लग जाएगा, तो इस साइड से भी रोशनी आएगी, इधर से भी एंड सामने से भी। एंड ये आई थिंक ये सेंसर है इसका, क्योंकि ये बटन वटन नहीं है, बटन ये है, तो ये इसका सेंसर हो गया। और ऑन करते हैं, वाह, मैं इसे अगर ऐसे रखता हूँ तो आपको देखिए, ये देखिए इस साइड भी है, फ्रंट में भी है, लेफ्ट में भी है एंड राइट में भी है। तो इसकी जो लाइट है, ब्राइटनेस है काफ़ी अच्छी, और इसमें शायद मोड्स दिए हैं। तो ये है
सबसे ज़्यादा ब्राइट या उससे कम, ये मीडियम मेरे काम की चीज़ है ये, क्योंकि मुझे आउटडोर के लिए एक लैम्प चाहिए था सोलर वाला। तो देखते हैं अभी का जो मौसम है बारिश वाले मौसम में ये कितना काम आएगा मुझे। इसका रिव्यू जो है मैं बाद में दूंगा आपको कि इसकी जो बैटरी कैपेसिटी है क्या वाकई में अच्छी है, और इसकी लाइट जो है बाहर हमें कितना ज़्यादा रोशनी देती है, मतलब बाहर लगाने पर ज़्यादा रोशनी मिलती भी है कि नहीं, और इसका सेंसर कैसा वर्क करता है, तो इसका डिटेल तो मैं आपको बाद में ही दे पाऊँगा। फोर्थ प्रोडक्ट की बारी, अंदाज़ा लगाइए कि ये क्या हो सकता है। देखिए ये कितना सॉफ्ट है। तो ये है एक कुशन, इसमें हवा भरनी है यहाँ से, तो ये ट्रैवलिंग के दौरान काफ़ी काम आती है। दो सेकंड रुकेगा, मैं अभी इसे जल्दी से जल्दी फुला देता हूँ। मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, इसका जो एरिया है ठीक ठाक है, और इसमें जो लेयर्स बनी हुई हैं उस वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल भी लगेगा आपको इसमें सर रखने में, एंड ये आउटडोर के हिसाब से काफ़ी बेटर लगा मुझे। कपड़ा कुछ वेलवेट टाइप का लग रहा है मुझे, आप शायद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मिल गई ये भी। तो फ्रेंड्स यही थे आज के प्रोडक्ट्स, छोटे छोटे बट यूज़फुल। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया और कौन सा प्रोडक्ट आपको यूज़फुल लगा, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट तो वैसे सारे के सारे यूज़फुल ही हैं, बट फिर भी आपके हिसाब से आपको कौन सा ज़्यादा यूज़फुल लगा और कौन सा प्रोडक्ट आप परचेस करना चाहेंगे। वैसे सबका परचेसिंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।